तुझे पता है ना प्यो, इस पूरी दुनिया में नहीं, इस पूरे कॉस्मोस में मैं सबसे ज्यादा प्यार तुझसे करती हूँ। दी नहीं है मीन इट प्यो, मतलब मैं अपने पति से भी इतना प्यार नहीं करती, मम्मा से भी इतना प्यार नहीं करती जितना तुझसे करती हूँ। और अगर किसी ने तुझे हर्ट किया ना, तो मैंने उसका कत्ल कर देना। ठीक है, लेकिन उसके पहले दवाई तू ले ले, उसके लिए भी तो एनर्जी चाहिए। चल बैठ आजा, जल्दी से दवाई ले ले। मुझे आवाज आ रही है, दवाई का कुछ साइड इफेक्ट हो रहा है क्या? दीप तू भी ना, क्या तू भी ना, सुनाई दे रहा है ना तुझे भी? इसका मतलब है दूल्हे राजा तेरी बारात में लेकर आ गए। ओह माय गॉड, ये पिंक चीक्स इतने रेड कैसे हो रहे? दी यार अब दुल्हन बनी, शादी होनी तो बारात तो आएगी ना। आरती तो उतारने दो दूल्हे की। उतार दो, दूल्हा हाजिर है आपके सामने। प्राची जी भाई सुन, इसे लगता है कि ये सब समझता है लेकिन ये ढेला कुछ नहीं समझता है। ओए मन प्रीते, अजय संभाल इसे।
क्या हुआ? नहीं काम कर रहा? Excuse me. I'm sorry. आपको लग गई ना? सुनिए ना, इधर आइए. तुम जानते हो वो जो लड़की थी जो इत्र फेंक रही थी, वो कौन है? नहीं सर, मैं नहीं जानता हूँ. चलो ठीक, थैंक यू. पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि वो प्राची. प्राची नहीं हो सकती. अगर वो प्राची होती तो वो मेरा ख्याल रखती. नहीं, वो प्राची नहीं हो सकती. ओए आज तो बड़ा ठा ठा लग रही है. ये डल नहीं है के साथ बढ़ते अज्ञात. ये यहाँ क्यों दिख गया? अरे यार अरविंद, अपनी माँ को तो समझा. अरविंद, तो पुत्र क्या हो गया? क्या देख रहा है तू वहाँ पे? भाई तेरी शादी हो रही है और तू आदमी को घूर रहा है. घोड़ी को पता चल गया ना तो अपने ऊपर तुझे बिठाएगी नहीं. दुश्मन को अपनी शादी में देखेगा तो घूरेगा ही ना. दुश्मन? हाँ दादू, ये आरवी का बिजनेस कंपेटिटर है. दादू कोई ऐसा वैसा कंपेटिटर नहीं है, बहुत सॉलिड वाला. किसी ने तो भाई की रातों को नहीं डुबा रखी है. हाँ ये वो मतलब कि के. हाँ
कृष्णा, मैं 2 मिनट में आया। चलू तेरे साथ? नहीं भाई, हाय हाय, हेलो। नहीं, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और मुझे लगा था कि आपकी आंखें वो भी देखती है जो सामने नहीं होता, पर यहाँ जो सामने है वही नहीं दिख रहा आपको। सवाल पूछा है, जवाब चाहिए। तुम्हारी फालतू की बातें नहीं चाहिए। जवाब ही दिया है मैंने। मेरे कपड़े देख लो, I'm sure आप समझ जाओगे कि मैं यहाँ क्यों। जिस शादी में आप आए हो ना, वहां का दूल्हा हूं मैं। ये मेरे फियांसे हैं और आशुतोष जी भाई, जिन्होंने हॉस्पिटल में हमारी। लेकिन पूरी, तो मुझे क्यों बोल रही हो? आराम से आराम से। ये कैसे हुआ? पूर्वी तो आशुतोष से शादी। लंबी कहानी है, लेकिन आप जिस शादी में आए हो, आपको पता ही नहीं कि वहाँ का दूल्हा कौन है। मुझे पता है वहाँ की दुल्हन कौन है, और वो ज्यादा जरूरी है। पूर्वी बहुत अच्छी लड़की है, बहुत किस्मत वाले हो तो तुम्हारी शादी हो रही है उससे। बस थोड़ा ख्याल रखना। Congratulations on your wedding. आप बधाई दे रहे हो या धमकी? सलाह दे रहा हूँ, लेकिन ये जो सलाह है ना, वो धमकी में तब्दील हो जाएगी। अगर तुमने कुछ भी गलत किया तो पूर्वी मेरी बेटी जैसी है। अगर तुमने उसको थोड़ा सा भी दुख पहुंचाया ना, तो मैं तुम्हें दुख पहुंचाऊंगा। अगर पूर्वी ने मुझे पहले बताया होता कि वो तुमसे शादी कर रही है, तो शायद मैं तो ये शादी होने नहीं देते। बिल्कुल नहीं होने देता। इनफैक्ट वो यहाँ पे किसी भी लड़के को कहती कि वो उससे शादी करना चाहती, तो मैं नहीं होने देता। रियली? या क्योंकि पूर्वी इतनी अच्छी लड़की है, फिर इस दुनिया में वो किसी भी लड़के को चुनती तो शायद मैं मना करता। अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो मुझे उसके लायक कोई लड़का दिखाई नहीं। पर यू मिस्टर आवी, शादी कर रहे हो पूर्वी से, हमेशा खुश रखना, तुम भी खुश रहो। मतलब मैं सही था? धमकी देने आया हूँ आप यहाँ पर? सलाह है, बस पूर्वी का ख्याल रखना, तो ये सलाह ही रहेगी, धमकी में तब्दील नहीं होगी। पूर्वी का कमरा कहाँ है? तुम दूल्हे हो, तुम्हें पता होगा। थैंक्स। पूर्वी आरवी से शादी कर रही है? चलो ठीक है, कम से कम वो उस आशुतोष से तो बेहतर है, पर नहीं, पूर्वी और बेहतर लड़का डिजर्व करती है। पर नहीं, अभी मैं कुछ नहीं बोलूंगा, अब शादी होने वाली है, अभी मैं कोई माहौल खराब नहीं करने वाला। एक मिनट, क्या ये कौन है आप? एक मिनट के मेरे को रोक रहा है, जानता है कौन हूँ मैं? वे जसमीर राम है मेरा, जो आरवी ना आरवी, उसने इनवाइट किया गेस्ट हूँ मैं। वैसे घुर घुर के क्या दिख रहा है? अरे उसने फोन करके इनवाइट किया है, भरोसा नहीं हो रहा है। लगाता हूँ मैं आरवी को फोन लगाता हूँ और बोलता हूँ कि ये ना मेरे को रोक रहा है। अबे तेरे को नौकरी से निकाल देगा, तेरा बीवी बच्चे ना सड़क पे भीख मांगे कि दे दे बाबा दे दे, ऐसी हालत हो जाएगी तेरी। चल हट। रुको, एक मिनट, आप ही है ना? ये बोला है तुम दोनों में से किसी को अंदर नहीं आने दे, और जहां देखे वहां पकड़ ले। मैं तेरे ऑर्डर की तेरी, तुम हट। तुम एक मिनट रुको, मैं पुलिस को ही फोन करता हूँ। हेलो, हाँ पुलिस स्टेशन? जा रहा हूँ। मैं देख के आती हूँ, मैं ठीक हूँ। मैं पता है तू कितनी ठीक है। नहीं, मैं सच्ची ठीक हूँ माँ, I'm okay। वो थोड़ा
ठीक हूँ, आई एम ओके, ठीक हूँ। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि ना रो, पर मैं मुझे नहीं रोना चाहिए, आई नो। प्राची प्राची, किसने कहा रोना बुरी बात होती है? किसने कहा? रो ले बेटा, मत रोक अपने आंसुओं को। आज के दिन तेरा भावुक होना बहुत नॉर्मल है बेटा, माँ है तू उसकी। जी हल्का कर ले। रणबीर के बारे में सोच रही थी ना, उसके आधार है, उसकी बेटी की शादी है माँ, उसकी बेटी की शादी। वो यहाँ होता ना, मना कर देता, इस रिश्ते को मना कर देता, नहीं करता शादी। क्यों प्राची, तू कुछ छुपा रही है क्या हमसे? मतलब ऐसा कुछ हुआ है क्या जो हम नहीं जानते? नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो मैं जानती हूँ ना रणबीर को, इस रिश्ते को क्या, हर रिश्ते को मना करता, क्योंकि उसके हिसाब से उसकी बेटी के लायक तो कोई लड़का बना ही नहीं है ना, तो वो तो ऐसे ही करता। और मुझे पता है अगर बात शादी तक आ भी जाती ना, तो मंडप में जाता, दूल्हे के कान खींचता और गुस्से से कहता कि देख मेरी बेटी का ध्यान रखना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रणबीर तो ऐसे था ना, वो बहुत प्यार करता था, उसको अपने बच्चों से इतना प्यार होता ना, मैं बता रही हूँ, उसके जितना प्यार करने वाला मैंने कोई नहीं देखा, कोई हो ही नहीं सकता दुनिया में। हम बच्चे, लेकिन उसका प्यार, उसका केयर अभी भी है, किसने कहा नहीं है, है पूर्वी के साथ। वो जहाँ भी है ना, अपना आशीर्वाद बरसा रहा है पूर्वी के ऊपर। आज इतना बड़ा दिन पूर्वी के लिए है, इस दिन को जी भर के जी ले। चल संभाल अपने आप को, पूर्वी को मंडप में ले जाने का समय आ गया, तैयार है? हम तैयार हैं। मेरा स्ट्रॉन्ग बच्चा, सबसे स्ट्रॉन्ग बच्चा। ये शादी ब्याह का माहौल भी अजीब होता है, तुम्हें अपने परिवार की बहुत याद आती है, चाहे कितनी भी कोशिश करो उनको ना याद करने की, ये दिल मानता ही नहीं। वैसे भी मुझे प्राची की बहुत याद आ रही है, और यहाँ पर आकर, यहाँ पे आके तो ऐसा लग रहा है कि वो मेरे आसपास है, मेरे करीब है। आज पूर्वी की शादी है, शायद मेरी खुशी की भी शादी हो गई होगी। काश एक बार मैं अपनी बेटी खुशी को देख पाता। लोग कहते हैं दुनिया बहुत छोटी है, पर मेरे लिए तो दुनिया बहुत बड़ी है। इतने टाइम से बॉम्बे में मैं एक बार भी अपनी बेटी खुशी को देख ही नहीं पाया। हे पापा, एक बार मुझे मेरी बेटी खुशी से मिलवा देते, एक बार। किस तरफ जाना है? ऑलरेडी चुन्नी ओढ़ी हुई है, फिर मानी क्यों दीप? ये मानी भेजी है। हाँ तो मैं चेंज करूँ क्या? नहीं, जो तूने पहना वो अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रही है। अच्छा तू रेडी हो जा, कभी भी बुला लेंगे, मैं ही रखती हूँ। अदी सुन ना, तेरा बुखार ठीक है? तूने मेडिसिन दी ना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और जो तूने इतना सारा केयर किया उसके बाद तो मैं एकदम फैंटास्टिक हूँ मेरी लवली सिस्टर। चल चल ठीक है, रेडी है ना? बिल्कुल परफेक्ट, ठीक है, मैं आती हूँ। खुशी? नहीं, ये खुशी नहीं हो सकती,
क्योंकि अगर ये खुशी होती तो इसको महसूस हो जाता कि मैं उसका पापा उसके सामने हूँ। मुझसे बहुत प्यार करती थी। शायद मैं अपनी बेटी खुशी और अपनी प्राची को बहुत मिस कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा। अरे भाई, तुमने इतनी प्यार से बुलाया था तो मैं नहीं आता क्या? और वैसे भी तुम नहीं भी बुलाती मैं आ जाता। बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक यू। मैं तुम्हारे डैड जैसा होना हूं ना, डैड के बिना बेटी की शादी कैसे होगी? मुझे याद है तुमने मुझे कहा था कि तुम्हारे पापा नहीं है। तुम्हें अभी ऐसा महसूस करने की कोई जरूरत नहीं है। अब से मैं तुम्हारे साथ हूं और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, एक पापा बनके।